हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। सोशल मीडिया पर स्टार रानू मंडल कुछ महीनों पहले अपने गाने के वजह से सुर्खियों में आई थी और उनके वीडियो काफी वायरल हुए थे। वहीं अभिनेत्री जय रानू मंडल अपनी कुछ फोटोज को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो हैवी मेकअप किए हुए नजर आ रही हैं। इस फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद से लोगों ने रानू मंडल के इस लुक का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि रानू मंडल एक इवेंट पर डिजाइनर कपड़ों और हैवी मेकअप करके पहुंची थी। रानू के इस मेकअप का लोग काफी मजाक बना रहे हैं और कुछ लोग सलाह भी दे रहे हैं कि उन्हें मेकअप की क्या जरूरत है। वहीं एक फोटो ऐसे भी वायरल हो रही है जिसमें रानू का चेहरा काफी सफेद दिखाई दे रहा है, जिस पर लोग अलग अलग मीम शेयर कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ही रिएक्शन। रानू मंडल वॉन फर्स्ट प्राइज इन मेकअप कॉन्टेस्ट। रानू मंडल हैप्पी पोस्ट हेलोइन सेलिब्रेशन। गर्ल्स यूज मुल्तानी मिट्टी। रानू मंडल आफ्टर डूइंग मेकअप टू ऑडियंस, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। तो देखा आपने, रानू मंडल का ये मेकओवर लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में रानू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला फैन को सेल्फी के लिए पूछने पर डांटती नजर आई थी। इस वीडियो के बाद से ही लोग रानू की आलोचना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर रानू मंडल को लेकर कई तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हाल ही में हिमेश रेशमिया के साथ उनका आशिकी में तेरी मेरी कहानी रिलीज हुआ है। वैसे रानू मंडल का ये मेकओवर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। जी, मैंने उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बनाया, उनकी और ऑफकोर्स इनकी, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया गाना, तभी मैं गा पाई। जो नया गाना उन्होंने सिखाया, नया गाना तो मैं जानती नहीं थी मगर उन्होंने सिखाया तभी मैं गा सकी। और पहला गाना इन्होंने तीन से चार घंटे में पहले गा लिया। पहली बार हेडफोन के साथ उनका कनेक्शन बन रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा गाया। पर दूसरा गाना आदत जो अभी आ रहा है वो इससे अच्छा है, और मैं आपको कह रहा हूँ वो दो घंटे में गाया, बहुत तरीके उसमें हमें देखा दे क्या वो आलाप ही दिया। हाँ, आलाप अभी आया है, अब मैं उसका मेकिंग बहुत जल्दी लोगों के सामने लाऊंगा और फिर वो गाना आएगा आदत, बहुत खूबसूरत गाया है। और आशिकी तो और भी जल्दी हुआ, तो अब उनका पिकअप सेंस एक प्रोफेशनल की तरह हो गया है और वो ट्रेनिंग लेसन्स भी ले रही हैं। मेरे डैड भी, जिन्होंने मुझे सिखाया, वो उनको टिप्स देने वाले हैं। और आगे मैं चाहता हूँ बस इनको आगे लेके जाइए, प्यार दीजिए इनको, क्योंकि कोई भी फैमिली में से जब एक आर्टिस्टिक टैलेंट बाहर निकलता है तो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कौन सा दिन कब ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो जाए। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम आता है अगर आप बस मेहनत करते रहिए। रानू मैम, क्या कहना चाहेंगे, जब हिमेश सर का आपके पास ऑफर आया था सॉन्ग करने का, उस वक्त क्या फीलिंग थी, करना है नहीं करना, क्या था वो? नहीं, मैं उनके साथ गाने के लिए तो मेरी एक शौभ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स माई प्लेजर, इंग्लिश में ये वर्ड बोलता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सौभाग्य है, सौभाग्य क्या बोलते हैं, वो मैंने सोची। मगर उनके ऊपर तो हमारे जो हमें बनाया वो मतलब उनका मेहरबानी, उन्होंने जिस तरह से उनको चलाया, डायरेक्शन किया है, तो उनके ज़रिए ये मुझे मिला, तो इस बात का तो मुझे गर्व है और टैलेंट भी। और वो सब ऊपर वाले का करिश्मा है सचमुच, जो पूरा, जब मैं तेरी मेरी कहानी के लिए हैप्पी आरडीर में एक लव स्टोरी के लिए जो गाना ढूंढ रहा था वो कॉम्पोजिशन के तौर पे था, ड्यूएट के तौर पे मैंने गाया था, लेकिन जो आलाप में मुझे एक नई आवाज़ चाहिए थी वो उसी मोमेंट पे जब टाइम हो गया था रिलीज़ का, तब सुपरस्टार सिंगर में मैं जब जज कर रहा हूँ और सामने वो आती है और वो एक प्यार का नगमा गाती है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये करेक्ट है तेरी मेरी कहानी के लिए, और तेरी मेरी कहानी इस लेवल पे नंबर वन हो जाता है कुछ ही दिनों में, ये तो ये बिल्कुल सिर्फ चमत्कार है। ये हमने कुछ नहीं कहा, बहुत पावरफुल मीडियम, बहुत ही पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया, बहुत ही यू नो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकता है, बस आपकी नियत सही होनी चाहिए, नियत में बरकत है, मैं ये हमेशा मानता हूँ। तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों का योगदान है जिन्होंने
ग्लोबली एक ही साथ में कुछ ही घंटों में इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आतिथ्य चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, रेलवे स्टेशन के बाद जब करते हैं तो उनकी उन्होंने अगर वीडियो ना करने का इरादा रखते तो शायद ये भी शायद की बात है, ये नहीं हो सकता था शायद, क्योंकि मैं बॉम्बे आने के लिए मैं प्लेन में आई, तो मैं अगर मुझे आने का जो दिल था या फिर मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी तभी ना सही, लेकिन कभी ना कभी मैं बॉम्बे में आऊँगी, बॉम्बे में तो रह चुकी हूँ, मगर फिर भी जबकि मैं एक सिंगर की हैसियत से मैं आना चाहा, तब मैं सोचने लगी थी मैं आऊँगी, लेकिन कब आऊँगी ये मुझे नहीं पता था। लोगों ने आपको लता मंगेशकर के वॉइस में कंपेयर किया, वॉइस के जी जी, क्या फील हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उन्हीं का आवाज़ तो उनकी है, तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया, उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया उनका उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना, तो सभी तो लता मंगेशकर की है, तो मतलब उनको भी कोई राइटर ने उनको सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में, या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया, क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था, वो तो यहाँ का महाराष्ट्रियन है लता जी, तो मंगेशकर, तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था, लेकिन वो उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा, बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम, वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट, उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना, फिर भी उनका जो आवाज़ जैसे कि उसको कोकिल कंठ से उसका उपाधि मिला है ना, तो उसके हिसाब से उसकी आवाज़ सचमुच खूबी बहुत खूब है, जैसे कि हीरो पिक्चर में जैसे वो गाना है डुएट है वो पिक्चर, किताबों में लिखा है, सॉरी, लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। हर्षवर्धन भट्ट मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो एक गुजराती NRI बिजनेसमैन है, और हरप्रीत सिंह लांबा एक सरदार के कैरेक्टर में भी मैं हूँ, तो दो कैरेक्टर्स हैं, डबल रोल है या नहीं वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन सोनिया मान हीरोइन है जो एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्म में पहली बार डेब्यू कर रही हैं, तो उनका कैरेक्टर है, तो हमें एक ठेठ बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलने वाली एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिन्हें हिंदी भी आती हो, तो वो बहुत ही सुंदर एक लव स्टोरी है जो उसमें 9 गाने हैं और वो बिल्कुल पिक्चर के साथ फ्लो करते हैं, लेकिन स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, और एक ऐसी कहानी जो हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम ये कहानी है, तो आपको हैप्पी हार्डी हीर में वो कहानी नजर आएगी जो आपकी कहानी, हमारी कहानी है, तेरी कहानी है, मेरी कहानी है। मैंने आपकी फर्स्ट फिल्म आपका शुरू भी देखा था, जो कैप का जो मूवमेंट था स्टार्टिंग जी, उसके बाद में आपने ये लास्ट फिल्म की 2007 में, उसका 10-11 साल का ब्रेक लेके ये फिल्म की, नहीं मैंने तो आज बात लगी सर इस फिल्म में की लगा आपको कि नहीं अब मुझे आना चाहिए? नहीं, मैंने तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, कहीं ना कहीं मैं उसमें एक्सपोज बहुत अच्छी रही और तेरा सुरूर काफ़ी ठीक ठाक रही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज एन एक्टर आई हैव ट्राइड टू ग्रो विथ ईच फिल्म, खिलाड़ी में परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई, लेकिन इस फिल्म में एक कंप्लीट एक परफॉर्मेंस, एक किरदार आपको सिर्फ हिमेश नहीं बल्कि एक हर्षवर्धन भट्ट, एक हरप्रीत सिंह लांबा,
दिखाई देगा और एक ऐसी कहानी दिखाई देगी जो आपके दिलों को छू जाएगी।